हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत के लिए बिल्कुल यूनिक नाश्ते की रेसिपी। अगर आप व्रत में बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही आसान और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये है सैंडविच की रेसिपी। ये व्रत के लिए सैंडविच है जो कि बहुत ही कम घी में बनकर तैयार होता है और बहुत ही ऐसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर तैयार करेंगे व्रत में खाई जाने वाले कच्चे आम की चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कैरी यानी कच्चे आम, धनिया, पुदीना, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और बारीक काट लिया है। और इसमें कुछ ऐड किए हैं हरी मिर्च, 8 से 10 हरी मिर्च इसमें ऐड की हैं। और इसमें डालेंगे कटा हुआ आम, इसको मैंने कच्चे आम को अच्छे से छील लिया है और इसको स्लाइस में काट लिया है और इसको हम अपनी चटनी में ऐड करेंगे। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी चटपटी बनके तैयार होती है। और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सेंधा नमक और अब इन सबको मिक्स करके हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस के एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी व्रत में खाए जाने वाली चटपटी चटनी। इसे हम सैंडविच के साथ सर्व करेंगे। तो अब हम करते हैं सैंडविच की तैयारी। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कटोरी साबूदाना। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी साबूदाना लिया है और उसमें 1/2 कटोरी ही पानी डालकर उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है, सोक किया है। हमें पहले इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और जितना साबूदाना लिया है उतना ही पानी में इसे भिगोना है। 2-3 घंटे में ही ये अच्छे से फूल जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, कम ही रखनी है। तो ये देखिए, हमारा साबूदाना भीग कर तैयार है, अच्छे से फूल गया है और पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं रखा था तो ये अच्छी तरह इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये अच्छे से गल गया है। और अब हमने लेना है बॉयल आलू। तो यहाँ मैंने 1 आलू लिया है और उसे अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब मैं इसमें से मिक्स करूँगी। अब इसे मिक्स करके हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है कटा हुआ हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक, इन्हें डाल के भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1/2 टेबल स्पून सेंधा नमक मैंने इसमें डाला है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप व्रत में खाते हैं तो इसे डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर काली मिर्च ऐड की है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से दबा के मैश कर लेना है, आलू और साबूदाना अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। और इतना सी क्वांटिटी हमारे एक सैंडविच के लिए काफ़ी है, 1 से 2 सैंडविच इसमें बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है मूँगफली। मूँगफली को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इन्हें दरदरा कूट लेंगे और अब इन्हें भी अपने आलू में मिक्स कर लेंगे। इससे इसमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाएगा और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसे मिक्स करेंगे। और अब मैंने लिया है यहाँ पे सैंडविच मेकर। आप टोस्टर या सैंडविच मेकर कुछ भी ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। और अब इसे अच्छे से मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। आपके पास इलेक्ट्रिक वाला सैंडविच मेकर है या टोस्टर है, आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। और इसे अच्छे से ग्रीस करना ना भूलें, घी से ग्रीस करना इसे बहुत ज़रूरी होता है। और अब जो हमने मिश्रण तैयार किया है उसकी 1 लेयर इसमें लगा देंगे। तो हमने आलू और साबूदाने का मिक्स जो है इसमें एक पतली पतली लेयर ही लगानी है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, मोटा मोटा नहीं लगाना है। हम इसे दबा दबा के पतला पतला लगा देंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम दबा के इसे फैला देंगे और इसके बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ है मेरे पास पनीर का पीस, तो मैंने पनीर की स्लाइस को इसमें स्टफिंग के लिए लगाया है। और इसमें कुछ कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। आप अपने पसंद के कुछ भी फ्रूट्स या वेजीज इसमें लगा सकते हैं। और अब दोबारा से इसे कवर कर देंगे और एक और लेयर इसके ऊपर हम अपने आलू के मिक्स की लगा देंगे। तो इससे पहले मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मसाला भी लगाया है। तो यहाँ मैंने हल्का थोड़ा सा काली मिर्च और सेंधा नमक इसमें लगाया है जिससे ये अंदर से भी फीका ना लगे। और अब इसमें आलू की 2nd लेयर भी हम लगा देंगे। ये सैंडविच की रेसिपी बहुत ही आसान है
और बहुत ही जल्दी बनकर, बहुत ही कम ऑयल में जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो व्रत में इसको ट्राई करना ना भूलें, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप चाहें तो इसके अप्पम भी बना सकते हैं और टिक्की भी बना सकते हैं। तो हमें इसकी पतली पतली लहरी लगानी है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, क्योंकि ये सिकने के बाद जब हम इसे सेकेंगे अभी गैस पे तो ये थोड़ा सा फूलता भी है और बाहर भी आ सकता है। तो आपको इसमें कम ही भरना है कि ये अच्छे तरह से सिक जाए। अब हम इसे गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकेंगे दोनों साइड से। हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, तेज पे ना सेके, इससे ये जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो बिल्कुल मीडियम और लो से मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएं। तो मैंने इसे अलट पलट कर लो फ्लेम पर पकाया है। तो ये देखिए, ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है, क्रिस्पी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम सेकंड साइड से देखते हैं इसको, और इसमें हल्का सा घी इसे ग्रीस भी कर देंगे इससे, जिसमें एक टेस्ट भी आ जाएगा और ये चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, हमारा सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से सिककर तैयार है, अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल सैंडविच की तरह ये हमारा साबूदाने का सैंडविच बनकर तैयार है। तो सैंडविच बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से सैंडविच मेकर को ग्रीस करना है, जिससे कि सैंडविच हमारा चिपके ना, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनाना है, हाई फ्लेम पर या तेज पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इससे ये जल सकता है और पकेगा नहीं। तो ये देखिए, हमारा क्रिस्पी सा टेस्टी सा सैंडविच बनकर तैयार। और इसी तरह के व्रत की टेस्टी और इजी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में और भी व्रत की कई रेसिपीज आपसे शेयर की हुई हैं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से उन्हें भी देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।